क्लास थर्ड का जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था सिंड्रेला, आज उसका थर्ड पार्ट है, क्लोजिंग है ये चैप्टर की। इससे पहले हमने दो पार्ट्स कर लिए थे, और क्लास में तो हम पढ़ते हैं तो लगातार कंटिन्यूटी बनी रहती है तो चैप्टर समझ में आ जाता है। इसमें बीच बीच में गैप हो जाता है क्योंकि आपके मोबाइल्स पे भी लगातार काम आने पे आपको काम करने में दिक्कत होती है, तो इस वजह से बीच में गैप करके दिया जाता है, कभी किसी सब्जेक्ट का कभी किसी सब्जेक्ट का, तो इस वजह से दिक्कत है। तो अब आपके पास ये तीनों पार्ट हो जाएंगे, तो पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है, ये छोटे बच्चे हैं आप इनको तीनों पार्ट्स आप इकट्ठे दिखाएं, सुनाएं इनको ये वीडियोस, ताकि इनको पार्ट अच्छे से समझ में आ सके, ताकि बाद में जब इसके क्वेश्चंस वगैरह ये अभ्यास करने लगे तो इनको दिक्कतें ना आए। लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ ये पूरा पार्ट क्या है। सिंड्रेला एक लड़की का नाम है, सिंड्रेला जैसे नाम ये है पाठ। ये अपने सौतेली में माँ और बहनों के साथ रहती है, तो उनको पार्टी में जाने का इनविटेशन मिलता है, तो उसकी जो सौतेली माँ बहन है वो इसको लेके नहीं जाती, जिसकी वजह से ये सिंड्रेला उदास हो जाती है। तो एक बूढ़ी परी वहाँ आती है और इसको पार्टी में जाने के लिए ड्रेस, घोड़ा गाड़ी वगैरह, जो चूहे हैं उनको घोड़ों में बदल देती है, जो कद्दू है उसको घोड़ा गाड़ी बना देती है, और उसको साथ में कंडीशन कहती है कि आप 12 रात को 12 बजे से पहले पहले आपको वापिस घर आना पड़ता है। सिंड्रेला ऐसे ही करती है, तो घड़ी की तरफ देखती है, पार्टी में जाती है तो सभी काफ़ी आश्चर्यचकित होते हैं उसकी सुंदरता को देख के। वहाँ एक राजकुमार भी उसे मिलता है जो उसके साथ डांस करता है और वो जो काफ़ी उसे पसंद करता है। तो पार्टी में घड़ी की तरफ नजर जाती है सिंड्रेला की, तो देखती है कि टाइम हो चुका है उसके घर लौटने का, तो उसी जल्दबाजी में वो घर लौटने की जल्दबाजी करती है, तो उसी दौरान उसके पाँव से एक जो स्लीपर है वो निकल के वहीं रह जाते हैं और वो सिंड्रेला घर आ जाती है। तो इसी प्रकार जब उसकी जो सौतेली मदर और सिस्टर हैं वो भी आती हैं, तो अब क्या करता है कि जो राजकुमार है वो उसे ढूंढने की कोशिश करता है, कि कहता है कि मैं तो उसी लड़की से शादी करूंगा जिसके से ये स्लीपर है, जो उसको वहाँ पार्टी में जो उसके स्लीपर रह गई थी कि उसी से पार्टी में, तो वो उसको ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसका नाम तक भी नहीं जानता। तो अब आगे सुनते हैं कि वो क्या कर किस प्रकार से उसको ढूंढता है और क्या होता है। द लेडीज हुज फुट फिट द स्लीपर, तो राजकुमार उसको ढूंढने की कोशिश करता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था पूरे राज्य में, तो वो अब नाम तो जानता नहीं है, तो उसके पास क्या था, सिर्फ एक स्लीपर था वो। तो कहता है, क्या कहता है, द लेडी हुज फुट, कि जिस औरत का, जिस लेडी का फुट, पाँव फिट दिस स्लीपर, कि उस स्लीपर में जिसका पाँव, जिस औरत का पाँव फिट आ जाएगा, विल बी द वन, ये वह तो वो होगी जिससे आई विल मैरी, जिससे मैं शादी करूँगा, कि वही होगी जिससे मैं शादी करूँगा। ठीक है, दे वॉन्टेड टू फाइंड द लेडी हुज फिट वुड फिट इन द स्लीपर, और वो राजकुमार तो था ही, तो वो उसके सैनिक या राजा वगैरह वो सभी टू फाइंड द लेडी, उस औरत को ढूंढने की कोशिश करते हैं, हुज फिट, जिसका पाँव वुड फिट इन द स्लीपर, जो उस स्लीपर में बिल्कुल फिट हो जाए। ऑल द वुमेन्स इन द किंगडम, किंगडम होता राज्य, जितने भी ऑल द वुमेन्स इन द किंगडम, मतलब उस राज्य में जितनी भी औरतें थी, ट्राइड द स्लीपर, हर एक ने वो स्लीपर पहनने की कोशिश की, बट इट वुड नॉट फिट एनी वन ऑफ देम, उनमें से वो किसी को भी फिट नहीं हुआ वो स्लीपर, बट द स्लीपर फिटेड सिंड्रेला परफेक्टली, और लेकिन वो सिंड्रेला के पाँव में बिल्कुल फिट बैठ गया, वो क्यों, वो तो उसी का था ही। ठीक है, द प्रिंस रिकॉग्नाइज हर फ्रॉम द बॉल, और राजकुमार ने उसको पहचान लिया कि ये वही महिला थी जो पार्टी में थी, बॉल होता है पार्टी, ही मैरिड द सिंड्रेला, और उसने सिंड्रेला से शादी कर ली, एंड टुगेदर दे लिव्ड हैप्पीली, और खुशी खुशी वो रहने लग गए। ये हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया, तो अब हमने इसको रीड आउट कर लिया है, इनको लेसन को समझ लिया, अब आपको इसके वर्ड मीनिंग्स मिलेंगे, फिर आपको इसके क्वेश्चंस मिलेंगे, फिर आपके इसके जो टेक्सचुअल क्वेश्चंस है वो मिलेंगे, तो सभी को आपको अपनी अपनी फेयर नोटबुक्स में ये करना है, बिल्कुल साफ साफ राइटिंग में। थैंक यू।